स्टेशन के बाहर रिक्शा चालक ने एक यात्री से ज्यादा किराया मांगा। यात्री ने जब इसका विरोध किया तो रिक्शा चालक ने यात्री की पिटाई कर दी। पिटाई का ये वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में पिटाई की यह घटना कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यात्री के साथ रिक्शा चालक बस सलूकी करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सावरकर वाले बयान पर महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मची हुई है। खुद महाराष्ट्र सरकार अब वीर सावरकर को लेकर एक गौरव यात्रा निकालने जा रही है। वहीं महाराष्ट्र सरकार में उद्योग मंत्री और शिंदे गुट के नेता उदय सामंत ने सवाल उठाते हुए उद्धव ठाकरे से सवाल पूछा कि क्या सावरकर के अपमान पर उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना कांग्रेस का साथ इस मुद्दे पर छोड़ देगी। क्या जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे ने मणिशंकर अय्यर के खिलाफ एक्शन लिया था वही एक्शन उद्धव ठाकरे भी लेंगे? रहे वो सिर्फ राहुल गांधी जी के निषेध में नहीं निकले, वो तो निषेध करेंगे, लेकिन वीर सावरकर ने ये देश के लिए क्या किया है, क्या किया था, ये युवा पीढ़ी के सामने भी आना चाहिए। इसलिए हम गाँव तक जाएंगे, तालुका तक जाएंगे, जिले तक जाएंगे। नहीं, इसको अगर आपको भी देखना है तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सीएम एकनाथ जी शिंदे और डीसीएम देवेंद्र जी की, उसका दबाव बढ़ गया, उसका एक गौरव यात्रा का जो वातावरण बनेगा उससे अपना कुछ भी नहीं चलेगा, ये जब ध्यान में आ गया। अब ये मेरे ख्याल से स्टेटमेंट है, ऑफ द रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। अभी अगर मित्र पक्ष जो है उनको नहीं चाहिए तो मैं सावरकर के ऊपर टीका नहीं करूँगा, लेकिन मन से नहीं है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जब महाराष्ट्र में आई तो हर दिन उन्होंने सावरकर जी का अपमान किया है, ये मन से नहीं बोल रहे, इसलिए मैं उनको आह्वान करता हूँ कि उन्होंने रत्नागिरी में आना चाहिए। वहीं नवी मुंबई के पनवेल इलाके में कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले स्नेहल पाटिल को बदमाशों ने गोली मार दी। स्नेहल पाटिल पर यह हमला उस वक्त हुआ जब वो अपने मामा के साथ घर जा रही थी, तभी एक अज्ञात हमलावर गवान फाटा आया और स्नेहल पाटिल की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। स्नेहल पाटिल को इलाज के लिए नेहरू के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है क्योंकि गोली उनके पैर में लगी है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर छानबीन शुरू कर चुकी है। वहीं केंद्र में बीजेपी सरकार की तानाशाही के खिलाफ कांग्रेस के लोकतंत्र बचाओ मशाल शांति मार्च निकालने पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार को दिल्ली पुलिस ने लाल किला के सामने से कार्यकर्ताओं सहित गिरफ्तार कर लिया। वहीं भारतीय क्रिकेटर और बल्लेबाज केदार जाधव के पिता पुणे में अपने घर से दो दिन पहले लापता हो गए थे। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर केदार जाधव के पिता को ढूंढने में जुटी और पुणे पुलिस ने महज कुछ घंटे में ही केदार जाधव के पिता को ढूंढ निकाला। राह चलते बुजुर्ग राहगीरों को भरमाकर उनके साथ चीटिंग और चुनौती करने वाले एक चीटर को मलाड पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चीटर पर मुंबई के अलग अलग पुलिस थानों में करीब 75 से अधिक मामले दर्ज है। मलाड पुलिस के अनुसार आरोपी कुरला का रहने वाला बताया जा रहा है। मुंबई के अलग अलग इलाकों में जाकर बुजुर्ग राहगीरों को अपना टारगेट बनाता था। उनके खिलाफ चीटिंग और चुनौती की धारा के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को कुरला के एक लॉज में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद अपने घर न जाकर सीधे लॉज में जाकर रुकता था। गए महीने में 22 तारीख को हमारे यहाँ के सीनियर सिटीजन है, वो जब जा रहे थे तभी एक आरोपी ने उसे बोल वचनगिरी करके उनके गले की चेन निकाल के ठगी की थी। उसके बारे में हमारे यहाँ पर केस दर्ज था और हम उसकी तहकीकात कर रहे थे। हमने वहाँ के एरिया के सब पूरे सीसीटीवी फुटेज चेक किए। सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद वो हमें पता चला कि वो हमारे यहाँ के मुंबई के रिकॉर्ड का आरोपी है। उस आधार पर उसकी जाँच जारी थी और उसके बाद कुछ हमें नंबर्स मिले थे, उसके आधार पर हमने उसको कुरला से गिरफ्तार किया है। अब तक उसके खिलाफ
वहीं हमीरपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने मौधा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर केंद्र का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को स्वास्थ्य केंद्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। ये तस्वीरें मौधा स्वास्थ्य केंद्र की हैं, जहां पर यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक पहुंचे और वहां स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अगली खबर रायबरेली से है, जहां लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर स्थित नाले में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई है। पूरा मामला मिल एरिया थाना क्षेत्र के रतारपुर चौराहे के पास स्थित नाले का है, जहां अज्ञात युवक का शव देखा गया। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को नाले से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतक युवक की शिनाख्त करने में जुट गई। पुलिस युवक के शिनाख्त करने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा ले रही है। वहीं बुलंदशहर की कोतवाली खुर्जा नगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने एक ट्रैक्टर, एक मोटरसाइकिल, 2 तमंचा सहित 4 जिंदा कारतूस बरामद किया है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले बदमाशों ने खेत जोत रहे किसान पर तमंचे के बट से हमला किया था और किसान को कुएं में फेंक कर ट्रैक्टर लूट लिया था। वहीं बदमाशों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को SSP बुलंदशहर ने 25,000 का इनाम दिया है। वहीं फिरोजाबाद में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रही है। वीडियो में कुछ बच्चे हाथ में पिस्टल लिए वीडियो बना रहे हैं। वीडियो में बच्चों के हाथ में पिस्टल नजर आ रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन्हें ये पिस्टल मिली कहाँ से। रील में बच्चे ना डरू पुलिस थाने गाने भी बजाते हुए नजर आ रहे हैं। बंदूक तलवारों से गेला करूं, ना डरू चौकी थाने थे, बंदूक तलवारों से गेला करूं, ना डरू चौकी थाने थे, मैं चादी चौके बनिया हूँ घराने थे। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से युवक जो है वो कह रहा है कि वो किस घराने से है और वो पुलिस थानों से डरता नजर नहीं आ रहा। टशन दिखाने का ये तरीका आजकल बच्चों में काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, हालांकि उन्हें नहीं पता कि इस तरीके के वीडियो से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज की जा सकती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता रोहित कुशवाहा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रोहित, पिस्टल के साथ वीडियो बनाते हुए एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? अलका जी बता दें, ऐसे वायरल वीडियो काफी फिरोजाबाद में हो चुके हैं और काफी बच्चों ने ऐसे ये वीडियो वायरल किए हैं। पहले काफी लोगों को समझाया गया, इसको लेकर के कोई कार्रवाई नहीं है और ना ही कोई रोक टोक अभी तक। ये वीडियो कहाँ की बताई जा रही है? क्या जो युवक वीडियो में नजर आ रहा है उसकी पहचान की गई है या फिर पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई इस मामले में की गई है? वीडियो की पुष्टि की गई है तो फिरोजाबाद से एक रामनगर क्षेत्र है, वहीं का ये वीडियो बताया जा रहा है जी। इस मामले में पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहना है इस वीडियो को लेकर? अभी पुलिस ने अभी इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया है और संज्ञान में लेते ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो पिस्टल लेकर वीडियो बनाता हुआ एक युवक अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज अयोध्या और बस्ती का
का दौरा है। केशव मौर्य के कार्यक्रम में आंशिक बदलाव हुआ है। डिप्टी सीएम 11 बजे रुदौली के मां कामाख्या धाम पहुंचेंगे। मां कामाख्या के दर्शन पूजन के बाद 1 बजे बस्ती के मखौड़ा धाम जाएंगे, जहां पर वो जन कल्याणकारी योजनाओं का निरीक्षण करेंगे और मखौड़ा श्री राम जन्महोत्सव के उद्घाटन महोत्सव में हिस्सा लेंगे। फिर 3 बजे अयोध्या सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जहां पर पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। जिसके बाद 4 बजे डिप्टी सीएम स्पोर्ट स्टेडियम जाएंगे, जहां पर सांसद खेल महोत्सव का समापन करेंगे और फिर 5 बजे वापस लखनऊ के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रवाना हो जाएंगे। वहीं पर्यटन नगरी आगरा में इस्पात सेंट्रो में मसाज की आड़ में जिस्म फरोसी का गंदा व्यापार चल रहा है। मुखबिर की सूचना पर ताजगंज पुलिस ने एक इस्पात सेंटर पर रेड मारकर संचालक और युवती को गिरफ्तार किया है। एससीपी सदर अर्चना सिंह ने बताया कि फतेहाबाद रोड पर एक बिल्डिंग के बेसमेंट में बनी दुकान के अंदर आकाश नाम का युवक स्पा सेंटर संचालित कर रहा था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने के बाद थाना ताजगंज पुलिस के साथ उन्होंने रेड मारी। संचालक और युवती को मौके से हिरासत में लिया है। सेंटर में आपत्तिजनक सामान भी मिला है। सीसीटीवी फुटेज चेक की जा रही है। सभी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं राजधानी लखनऊ के वजीरगंज थाना क्षेत्र के बांस मंडी में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बांस मंडी में बड़े पैमाने पर रद्दी पेपर कबाड़ का काम होता है। बताया जा रहा है कि यहां पर कुछ लोग खाना खा रहे थे, तभी अचानक पेपर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी, लेकिन तब तक आग काफी दूर तक फैल गई थी। अगल बगल मोटरसाइकिल और कार खड़ी थी, जिन्हें आग ने अपने चपेटे में ले लिया और मोटरसाइकिलें और कार जलकर खाक हो गई। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये घटना बांस मंडी रिजर्व बैंक कॉलोनी में घटित हुई थी। अज्ञात कारणों से आग लग गई थी और तेजी से फैल रही थी, क्योंकि मेरा ऑफिस भी नजदीकी था। तो मेरी जानकारी में आने के बाद तत्काल मौके पर पहुँच कर फायर ब्रिगेड आदि को सूचना दी गई। 4 गाड़ियाँ तत्काल ही आई हैं और चारों कॉर्नर से आग आगे स्प्रेड ना हो पाए उसमें कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। अब जो है चीज़ें कंट्रोल में है, काबू में आ गई है और इसमें जो है जाँच और अन्य कार्रवाई जो है विधि कार्रवाई की। सर, आग लगने पर क्या क्या नुकसान हुआ है? क्या कोई जान माल का भी नुकसान हुआ है? जान माल का नुकसान की सूचना नहीं है। लोगों की वहाँ छोटे छोटे कमरे बना करके अपने सामान रखते थे, उनका जरूर नुकसान हुआ। वहीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव पर प्रदेश का विशाल भव्य शोभा यात्रा 30 मार्च को मिर्जापुर नगर में निकाला जाएगा। मंगलवार को शोभा यात्रा के पहले नगर में दुर्गा सेना स्कूटी से जन जागरण यात्रा निकाली गई। सिर पर भगवा पगड़ी धारण किए रामकाज में निकली महिलाओं ने धर्म ध्वजा फहराते हुए नगर के अलग अलग हिस्सों का भ्रमण किया। नारी शक्ति दुर्गा सेना के जय घोष पर लोगों ने आराध्य श्रीराम को नमन वंदन किया। महिला प्रभारी शिखा अग्रवाल ने बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम श्रीराम का जन्म उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। 30 मार्च को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सभी के आराध्य भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव पर आयोजित शोभा यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण देने निकले हैं। सभी लोग भव्य शोभा यात्रा में शामिल होकर इसे और भव्य स्वरूप प्रदान करें। भक्तों के सारे पापों को जरा कर राख कर देने वाली आदिशक्ति माँ दुर्गा के 9 शक्तियों की 8वीं स्वरूपा महागौरी की पूजा नवरात्रि के अष्टमी तिथि को की जाती है। पौराणिक कथा अनुसार माँ महागौरी ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण इनके शरीर का रंग एकदम काला पड़ गया था। तब माँ गौरी की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से धोया था, जिससे इनका वर्ण विद्युत प्रभा की तरह कांतिमान हो गया था और वर्ण की वजह से इन्हें माता का नाम महागौरी पड़ा। माता महागौरी की आयु 8 वर्ष मानी गई है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है, तीसरे हाथ में डमरू सुशोभित है और चौथा हाथ वर मुद्रा में है। इनका वाहन वृषभ है और नवरात्र के अष्टमी तिथि को माँ महागौरी की पूजा का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि भक्ति और श्रद्धापूर्वक माता की पूजा करने वाले भक्त के घर में सुख शांति बनी रहती है और उनके यहाँ माता अन्नपूर्णा स्वरूपा होती हैं। इस दिन माता की पूजा में कन्या पूजन और उनके सम्मान का विधान है। कि आज जो पूजन का विधान है, जो भक्त जन माँ के नवरात्रि में प्रथम दिन और अंतिम दिन व्रत रहते हैं, वो भी आज अष्टमी के दिन व्रत करेंगे। और साथ में आज माँ गौरी का दिन है, आज दिन माँ का महागौरी के रूप में पूजन किया जाता है
माँ गौरी पार्वती जी का ही स्वरूप है। माता पार्वती जी 8 वर्ष की अवस्था में तपस्या कर रही थी, तभी सुने महागौरी के रूप में लोग जानते हैं। महागौरी का पूजन का जो विधान है, आज दिन भक्तों को माँ का महागौरी के रूप में ध्यान करना चाहिए और माँ से अपनी मन इच्छा कहनी चाहिए, माँ कृपा से इच्छाएं पूर्ण होती हैं। मैं माता के दर्शन के लिए लगभग 40-42 साल से आ रहा हूँ। इस बार जो व्यवस्था हमने देखा पिछले विगत वर्षों से बहुत सुंदर और बहुत अच्छा व्यवस्था देखा, भीड़ रहते हुए भी अच्छा ढंग से दर्शन हुआ। खबर रायबरेली से है, जहां दुकान बंद कर घर जा रहे युवक पर पहले से घात लगाए लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। ये पूरा मामला बछरावा थाना क्षेत्र के गणेशपुर निवासी मुकेश कुमार यादव के साथ हुई। ये घटना बछरावा के एक सराफा व्यवसायी के यहां मुकेश काम करते थे। रोज की तरह शाम को वो अपने घर वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में घात लगाए लोगों ने उन पर हमला कर दिया। उसके बाद उन्हें घायल करने के बाद उन्हें तालाब के पास फेंक दिया। राहगीरों ने इसकी सूचना उनके परिजनों को दी। आनंद फानन में उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं सुमित मल्होत्रा जिला और सेशन जज काम चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी भटिंडा की तरफ से सुरेश कुमार गोयल सिविल जज और जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी भटिंडा मोड में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार जीवन कुमार गुप्ता पैरालीगल वॉलंटियर की देखरेख में संत फतेह सिंह कॉन्वेंट स्कूल में करवाया गया। इस सेमिनार में शहर के कई लोग शामिल हुए, वहीं इलावा स्कूल के अध्यापकों ने भी इस सेमिनार में हिस्सा लिया। सेमिनार आम जनता को उनके हकों, औरतों के अधिकारों, शिक्षा कानूनी सेवा और अथॉरिटी द्वारा दी जाने वाली स्कीम, सीनियर सिटीजन्स लोक अदालत, परमानेंट लोक अदालत, मेडिएशन सेंटर और पंजीकृत निर्माण कृति और 357 ACRPC के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी इस सेमिनार में दी गई। नमस्कार, मैं सुरेश कुमार गोयल, सेक्रेटरी कम CGM DLA से बठिंडा। आज इतने संत फतेह सिंह कॉन्वेंट स्कूल मोर विखे आया, तो इतने असी लोगों नू लीगली जिहड़ियां कानूनी सेवावां असी प्रदान करते हैं उन्हां दी जानकारी देने वास्ते इतने एक विशेष तौर पर मैं आया, ताकि असी लोगों नू घर घर तक इस संदेशा पहुँचा सकीए कि जो किसी जरूरतमंद नू कानूनी सेवा की लोड़ है वह साढ़े तक पहुँच करके बगैर किसी खर्चे तो बगैर टाइम वेस्ट किए अपना फैसला करवा सकता है। और मैं अज ये गल का मान करदा भी असी काफ़ी हद तक कैंप लाए ने अते लोगों दे विच हुण तक बहुत अवेयरनैस आई है। अगली खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से है, जहां रामनवमी के पावन अवसर पर जगदलपुर शहर पूरी तरीके से भक्तिमय हो गया है। जगह जगह पर भगवान राम की मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं, लोग पूरी तरीके से भगवान राम की भक्ति में लीन हैं। इसी तारतम्यता में शहर के धाकड़ क्षत्रिय राजपूत समाज द्वारा समुद्र चौक पर स्थित राम मंदिर में पूरे 9 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। संभाग अध्यक्ष सिकंदर सिंह ठाकुर ने बताया कि वो रामनवमी पर्व को 20 सालों से बड़ी धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। जब उन्होंने रामनवमी पर्व मनाने की शुरुआत की थी तब कुछ ही लोग उनके साथ थे, लेकिन हजारों की संख्या में अब लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं और भगवान राम की भक्ति का आनंद लेते हैं। हम लोग आज से नहीं 2003 से हमारे समाज सर्वप्रथम ठेला में घुमाया करता था। उस समय हमारी स्थिति भी और हमारे समाज की उतनी जागरूकता नहीं थी। सर्वप्रथम हम लोग ठेला में शोभा यात्रा निकालते थे। अभी हमारे समाज में धीरे धीरे वो लोग जागरूक होते गए, अब भव्य रूप से शोभा यात्रा निकालते हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।